अगर आप भी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आपके लिए सुनहरा ऑफर आ गया है एक्सिस बैंक की तरफ से कि ज्वाइनिंग फी जो 500 रुपये आपको लगता था, एनुअल फी जो आपको लगता था, बिल्कुल लाइफ टाइम अभी फ्री हो चुका है, बिल्कुल 31 दिसंबर तक। यानी 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करते हैं तो आपको 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा और बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है एक्सिस बैंक की तरफ से। कोई भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, बिल्कुल ईजी हो गया है। पहले से जो अप्लाई करने का प्रोसेस था वो अब ईजी हो गया है, अब बिल्कुल ई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। कैसे अप्लाई करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी कंटेंट आपको देखने को मिलता रहता है इसी चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आएगा इंटरफेस आपको इस तरह का। सबसे पहले मोबाइल नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड फिल करने के बाद सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा उसके बाद जाएगा ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे, यहाँ पर रखते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है ओटीपी डालने के बाद। उसके बाद यहाँ पर रखते हैं आएगा इंटरफेस इस तरह का, आपको यहाँ पर रखते हैं सेल्फ है, सेल्फ इम्प्लॉय आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नीचे में रखते हैं आपको इंटर मंथली जो इनकम है वो आपको फिल करना है, पिन कोड आपका क्या हो वो आपको फिल कर देना है, और फिल करने के बाद सीट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना। रखते हैं गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा आएगा इंटरफेस इस तरह का, रखते हैं ई के वाई सी का आधार ओटीपी देख सकते हैं यहाँ पर आपको, तो प्रोसीड का नीचे में ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेगा प्रोसीड पे यहाँ पर आपको देख सकते हैं रखते हैं आपको एग्री का ऑप्शन दिखेगा इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद रखते हैं सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा उसके बाद यहाँ पर आपको आएगा आधार नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है 12 डिजिट जो आपका आधार नंबर में रहता है। डालने के बाद सबमिट का ऑप्शन है सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा आपके आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद सबमिट का ऑप्शन है सबमिट पे क्लिक करना है। जितने भी कार्ड है एक्सिस बैंक का ये आपको शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको एलिजिबल है वो आपका शो हो जाएगा, जो एलिजिबल है वही आपका शो होगा, जो आपको पैन कार्ड डालने हैं एलिजिबल है क्रेडिट स्कोर क्या आपका उसी अनुसार आपका शो होगा। तो जो यहाँ पर आपका शो होगा जो एलिजिबल है उसी को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जो आपका यहाँ पर होगा वो अप्लाई कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में होगा लाइफ टाइम, बिल्कुल फ्री में कोई भी यहाँ पर होगा लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री। मैं आपको क्लियर कर दूँ 31 मार्च तक करिएगा तभी। चलिए यहाँ पर फिर उसके बाद आइएगा आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको कैसे काफ़ी ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पर आपको पढ़ भी सकते हैं, देखते हैं मोर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद चलिए यहाँ पर क्या करना है आपको गेट नाउ का जो ऑप्शन है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रखते हैं इस तरह आएगा आपको इंटरफेस, एनुअल फी बिल्कुल 0 रुपया है, ज्वाइनिंग भी बिल्कुल फ्री में है, यानी बिल्कुल लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री में क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए गेट नाउ का ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा आपको सेल्फ इम्प्लॉय आपको देखने को मिलेगा, बिजनेस इनकम क्या है, बिजनेस जो है आपको क्या है यहाँ पर आपको सारा चीज़ फिल कर देना है। फिल करने के बाद चलिए टोटल बिजनेस जो आपको है कौन सा यहाँ पर बिजनेस है वो आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद चलिए आगे का प्रोसेस आएगा इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं क्या है आपको सारा चीज़ यहाँ पर आपको फिल करना है अपने अनुसार। चलिए फिल करने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पर रखते हैं सारा में टिक कर देना है। टिक करने के बाद कन्फर्म डिटेल का जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म डिटेल पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपके देखते हैं आ जाएगा फाइनली इस तरह आएगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको जो आधार पर एड्रेस है वो आपका शो हो जाएगा और लाइफ पे जो एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस वो भी आपका शो हो जाएगा, कहाँ आप कार्ड को मंगाना चाहते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड का जो एड्रेस है उसी पे मंगाना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड को, यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद कन्फर्म एड्रेस का ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है। एट बर्क एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा ये आप देख सकते हैं, अगर आप एट बर्क का वहाँ पर ऑप्शन चूज किए होंगे तो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिल करना है बिजनेस नेम देख सकते हैं, कंपनी नेम, रोड नेम, लैंडमार्क आपको, पिन कोड आपको फिल करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आएगा इस तरह इंटरफेस, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर एक नंबर शो हो जाएगा MLP, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं इस तरह का नंबर शो हो जाएगा, ये नंबर आपका शो हो जाता है तो आपको लॉग इन कर सकते हैं ऐप में जाकर, एक्सिस बैंक का जो कार्ड है एक्सिस बैंक का जो ऐप है उसमें जाके यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आपको वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपको मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे भी मैसेज चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा
और जैसे यहाँ पर होगा उसके बाद आपको कार्ड आ जाएगा, आपके एड्रेस पे जो आधार कार्ड दिए हैं उसी एड्रेस पर आपको कार्ड आएगा। कार्ड आने के बाद हो सकता है वहाँ पर आपको कोई एजेंट भी आए जो कि केवाईसी करने के लिए, आएंगे तो आपको पैन कार्ड खोजेंगे जिनके नाम से अप्लाई किए हैं, वो कार्ड होना चाहिए और सिग्नेचर वहाँ करने के लिए आपको बोलेगा लाइव प्रूफ, तो वहाँ पर आप सिग्नेचर आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 7 से 8 दिन के अंदर फिर से आपको यहाँ पर कार्ड है जो आपका आ जाएगा आपके एड्रेस पे, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री में। तो इस तरीका से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीका से। कैसा आपको वीडियो लगा कॉमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा। मान में कोई भी सवाल हो, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिएगा या हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। कैसा ये वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी कंटेंट आपको देखने को मिलते रहते हैं इसी चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।